नैनीताल पुलिस ने लापता मोबाइल की शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक अभियान शुरू किया है। पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के 150 से अधिक मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जिसके माध्यम से लोगों ने मोबाइल की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के तहत पुलिस ने 240 शिकायतों का निस्तारण करते हुए इन मोबाइल फोन को बरामद किया। किसी का भी मोबाइल अगर खोता है तो उसकी शिकायत इस लॉस्ट एंड फाउंड सेल में की जाती है। उसके बाद हम मोबाइल खोजने के प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार जनता का मोबाइल जो खोता है उसका कई बार अपराधों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे द्वारा लगातार जनता से अपील की जाती है कि अगर आपका फोन मिसप्लेस हो जाए या खो जाए तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर करें। इसमें ये लगातार मेरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कुल मिलाकर हमने पहले 72, फिर 60 और आज 54, तो कुल मिलाकर लगभग 150 से ऊपर मोबाइल्स बरामद किए हैं और इनको जो जिनके ये मोबाइल थे उनको हम बुलाकर इनकी सुपुर्दगी में इन मोबाइल्स को दे देते हैं। फिलहाल पुलिस ने बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप दिया है और पुलिस बाकी मामलों को लेकर भी जांच कर रही है। नैनीताल से भूपेंद्र रावत, पंजाब केसरी टीवी।